तो सबसे पहले मैं आती हूँ, देखिए सवाल मेरा आलोक वत्स जी से होगा। आलोक वत्स जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला आता है और इधर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ब्रेक लग चुका है अब बुलडोजर पर, क्योंकि गरीबों के मकान भी ध्वस्त किए जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आरोपी तो एक है, फिर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए। देखिए अंजलि जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक एक लाइन में अगर मैं कहूंगा, जस्टिस हैज बीन डिलेड बट नॉट डिनाइड। जो मकान तोड़े जा रहे हैं या तो तोड़े गए, वो अवैध अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन या किसी की जमीन पर कब्जा करके किया हुआ था, उनको बकायदा नोटिस जारी हुआ था। ये अलग बात है कि उस नोटिस की अवधि बहुत शॉर्ट थी और आपके प्रेस्टीजियस चैनल पर यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अधिकारी लोग नेताओं को खुश करने के लिए इसको आनंद फानंद में इसका कुछ दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं स्वयं इस बार फैसले से खुश हूँ कि कम से कम अब, मतलब आलोक वत्स जी आप कह रहे हैं कि अधिकारी इस तरह से बुलडोजर एक्शन का दुरुपयोग कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं आनंद फानंद में लागू करने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि आनंद फानंद में, टाइम नहीं दे रहे तो वो अब किसको टाइम नहीं दे रहे जाएगा। तो जो भी उसमें आरोपी थे या जो भी जिनको भी वो नोटिस चस्पा किया गया है, हाँ। और दूसरी चीज कि बुलडोजर एक्शन को बंद नहीं करने की बात हुई है, ये गलत फहमी लोग पाल रहे हैं कि बुलडोजर बंद हो गया है, हाँ। इसकी अवधि बढ़ा दी गई है कि उनको 15 दिन 20 दिन दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके, और फिर भी अगर वो अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख सके तो सरकारी जमीन अवैध बुलडोजर एक्शन आरोपी है सिर्फ इस वजह से नहीं होना चाहिए, अवैध निर्माण पर होना चाहिए। एक बार फिर से आप लड़की